भी नहीं जा सकते, हम ही पीड़ित हैं और हम ही मुजरिम हैं। न्याय क्यों नहीं होता? ये मकान बिकाऊ है, दबंगों से परेशान होकर पलायन। शब्दों का अर्थ नहीं बताऊंगा, मतलब तो आप समझ गए होंगे कि एक डर है जिसकी वजह से ये मकान खाली कर जाना चाहते हैं। डर किसका जी? इनका आरोप है कि इनके पड़ोस में ही कुछ लोग रहने वाले जबरदस्ती लड़ाई कर रहे थे। हमारी गाड़ी खड़ी थी, वो लोग आके गाली गुफ्तार करने लगे। कि कौन लोग थे और किसकी गाड़ी खड़ी थी? ये लोग थे कैला भट्टे के कुरेशियों में से, और उनके उनके बड़े हबीब थे, उनसे छोटे फहीम थे, फिर सहीम थे, भूरे थे, बहुत 25 लोग थे वो। उन्होंने आकर गाली गुफ्तार करी। हमारे हस्बैंड ने कहा, आमिर ने, केला भट्टा जो बुंदू होटल है, उन्होंने कहा कि भाई गाली गुफ्तार क्यों दे रहा है? जो महिला के ऊपर हमला था वो महिलाओं ने किया था, पुरुषों ने? नहीं, पुरुषों ने करा था, और एक के ऊपर बहुत सारे जने थे जी। हमारे भी वीडियो भी है इस चीज की। गलती भी पुलिस वालों की नहीं, क्योंकि कानून अंधा होता है, आप लोगों को भी पता है। अब कानून जब अंधा होगा तो ठीक से वीडियो भी कैसे देख पाएंगे? खैर, सबूत के आधार पर एक सवाल और पूछ लेते। मकान के बाहर आपने लिख रखा मकान बिका हुआ, क्या सच में मकान बिक रहे हैं आप लोग? जी जी। क्यों, क्या डर हो गया? जब हम पे ये लोग हम पे हमला कर रहे हैं तो हम घर मकान बेचेंगे नहीं? कोई हमारी वो हमारी नंद की सीरियस हालत बहुत ज्यादा, उसका बयान लेने नहीं जा रहे पुलिस वाले। अच्छा, ये बताइए कि एफआईआर किस किस के ऊपर हुई? आप लोगों में से हुई है उनके ऊपर जो एडमिट? उल्टा हमारे ऊपर केस हो रहा है। किन किन का नाम आया? हमारे जेठ का है, हमारे हस्बैंड का है, देवर का है, पापा जी का है। छोटी नंद हमारी सीरियस है, उसके सर में बेलन मारा, उसका मुंह भींचा, गले में इसके भूसे बजाए हैं, उसके नाक का पानी अभी भी बंद नहीं है, वो उसका बोल भी अभी भी चालू नहीं है, वो बोल नहीं पा रही है अभी, क्योंकि दूसरी पक्ष की जो पार्टी है, ऐसा इन लोगों का आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि हमारी उनसे भी बात नहीं है, इन लोगों का आरोप है कि ये घटना हुई थी, वीडियो भी कुछ ऐसे ही कहती है। क्या इसके पीछे की कहानी है? ये पुलिस वाले जब तफ्तीश करेंगे, मतलब जानकारी लेंगे पुलिस वाले, या पूरी जानकारी खंगालेंगे, तब जाके हकीकत पता चलेगा। पुलिस वाले थाने से बाहर निकल के देखे तो सही कि हकीकत क्या है। कहानी और थोड़ी दिलचस्प बनाने के लिए पुलिस वाले भी कार्रवाई नहीं कर रहे, ऐसा इनका भी आरोप है, क्योंकि हम अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे तो गलत ठहराए दिए जाएंगे। अब पुलिस वाले कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? शायद कानून अंधा होता है इसलिए अंधों की तरह काम कर रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की पुलिस है भैया, ऐसे ही काम करती है, धीरे धराज पे। अब जानकारी पूरी हो तो समझ में आए। फिलहाल कोतवाली चलते हैं और कोतवाली में जानते हैं कि कोतवाल साहब क्या कर रहे हैं आजकल। तो भाई, हम कोतवाली भी आ गए क्योंकि कोतवाली एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इंसाफ होता है। अब इंसाफ हो पा रहा है आपके साथ कि नहीं, जरा बताइए। सर, अभी तक तो मेरे कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। जो दबंगे हैं वो खुले फिर रहे हैं और हम लोग डर के बैठे हुए हैं अपने घर में, हम बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा क्यों, न्याय क्यों नहीं होता? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कुछ बोलते ही नहीं है, कुछ जवाब ही नहीं देते। हम जाएंगे तो हमें पकड़ के ही बिठा लेंगे, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है उन्होंने, हम ही पीड़ित हैं और हम ही मुजरिम हैं। आप कैसे कह सकते हो? हो सकता है पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हो और समय लग रहा हो। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, जो दबंगे खुलेआम छाती ठोक के घूम रहे हैं, गाली बकते हैं अभी भी निकलते बढ़ते हुए, हमें कैसे मान लें कि कार्रवाई हो रही है? जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने किसी पुलिस वाले कर्मचारी से बात करी, नाम नहीं लूँगा उनका, कंधे पे दो स्टार थे। उन्होंने बताया मुझे जो जानकारी है, मैं वही आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि दोनों पक्ष की तरफ से लड़ाइयाँ होती हैं और दोनों पक्ष गलत हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्ष की बात सुनकर उनकी तहलील पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अब आगे भी कार्रवाई जब कर रहे हैं तो कप्तान साहब खुद से देख रहे हैं और आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो गलत है वो गलत है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए बने रहे और थम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।